Rama Rama Hare Hare
आज हम लोग श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 22 पढ़ेंगे, 22 नंबर 23 24। इस अध्याय का नाम है राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। आक्रम्यो रसि दक्षस्य शीतधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुं न शक्नोत् त्र्यम्बकस्तदा। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र राजा दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा
और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर के हिस्से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर राजा दक्ष के सिर काटना चाहा, किंतु राजा दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। शस्त्रैशास्त्रन्वितैरवमनिर्भिन्नत्वचं हर विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरं दृष्ट्वा संज्ञापनं योगम्। पशूनां च पतिर्मखे यजमान पशुकस्य कायाते नाहर शिरः दृष्ट्वा संज्ञापनं योगम्। पशूनां च पतिर्मखे यजमान पशुकस्य कायाति न हरक्षिरः दृष्ट्वा संज्ञापनं योगम्। पशूनां स पतिर्मखे यजमान पशुकस्य कायाति न हरक्षिरः दृष्ट्वा संज्ञापनं योगम्। दृष्ट्वा संज्ञापनं योगम्। दृष्ट्वा देखकर संज्ञापनम यज्ञ में पशुओं के वध के लिए योगम युक्ति पशुनाम पशुओं की सह वह वीरभद्र पति स्वामी मखे यज्ञ में यजमान पशु यजमान रूपी पशु कस्य राजा दक्ष का कायात शरीर से तेन उस युक्ति से अहरत काट दिया सिर उसका सिर। अनुवाद होता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने राजा दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। तात्पर्य इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उनके मांसाहार में सुविधा हो। यह वध वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। मंत्रों के परीक्षण के लिए इन पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे।
आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ द्वारा की जाती थी। कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते थे, केवल कुछ बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त होते थे। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने करने का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया, परंतु तुरंत ही उसने इससे सबके देखते देखते राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देश तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ। इन तीन श्लोकों में बताया गया कि कैसे वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सरतन से जुदा किया। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ता के शिव की एक ही सजा। तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पहले से है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, है ना? अगर उसका कोई वीडियो बना लेता, अगर कैसे वीरभद्र सिर काट रहा है दक्ष प्रजापति का, तो सुखदेव जी देखिए वीडियो बना रहे हैं, है ना? श्रीमद् भागवत की वीडियो है कि अगर वैष्णव अपराध के मार्ग पर अगर कोई चलता है तो उसकी परिणति क्या होती है, कितना ग्रीवस ऑफेंस है ये, कितना सीरियस अपराध है ये। दक्ष प्रजापति जो है इतने महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके हृदय में ईर्ष्या आ गई शिव जी को लेकर, है ना? ये ईर्ष्या ऐसी चीज है। ईर्ष्या के कारण जो है व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है ना?
ईर्ष्या, और ये ईर्ष्या जो है वो आती है कैसे? हाँ, पूजा प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा की लालसा है ना, इसके यहाँ से ईर्ष्या आती है। जब हम लोग अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, अहंकार से ईर्ष्या का प्राकट्य होता है, फॉल्स ईगो है ना, फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो क्या है? मैं और मेरा। जैसे ही आएगा इससे आना ही है, माम का पांडवा सही है। प्रश्न उठता है कि आखिर ये आता क्यों है माम का? हम देखते हैं कि इसके इतने दुष्परिणाम है, फिर भी ये कैसे आ जाता है? हम कोई नहीं चाहता है कि, स्पेशली भक्त लोग तो नहीं चाहते, फिर भी ये कैसे आ जाता है? हम चाहते नहीं है कि ये चीजें आए हमारे हृदय में, फिर कैसे आता है? जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, है ना? ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये ठीक नहीं है। तो इसका जो जड़ है, ईर्ष्या का या अहंकार का जो जड़ है वो क्या है? इसके जड़ है अविद्या, है ना? क्या? अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। जब हम लोग सोचते हैं कि हमको लगता है कि अगर हम, हमारे पास अपना कुछ होगा तो हमारा भी वैल्यू होगा, है ना? क्या होगा? वैल्यू, हमारा वैल्यू नहीं हो रहा है, हमको वैल्यू नहीं दिया जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है, क्या? वैल्यू, मेरा वैल्यू नहीं है यहाँ, मेरा वैल्यू कैसे बढ़ेगा? ये है जड़। सबका सम्मान हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये जड़ है। मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी सम्मान होना चाहिए, यहाँ से ईर्ष्या जन्म लेता है। दूसरे का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है ना? कृष्ण की पूजा हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, है ना? ये ओरिजिनल ईर्ष्या, पहला मिस्टेक, पहली ईर्ष्या का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण के साथ। ये कृष्ण जो हैं, सब लोग इनको भगवान मानते हैं, हमको कोई नहीं मानता है। सब लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, हमारा नाम कोई नहीं ले रहा है, है ना? ये टेंडेंसी है।
जीव का स्वभाव, जीव को लगता है अच्छा मेरा वैल्यू क्यों चाहिए, मैं सेंटर में नहीं हूँ, मेहनत मैं करूँ और सेंटर में कोई और रहे, नाम किसी और का, काम मैं करूँ और नाम आपका, मैंने मेहनत किया है तो नाम किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने काम किया तो सैलरी आपको मिलेगी, किसको सैलरी मिलनी चाहिए, जिसने मेहनत किया, सिंपल लॉजिक है ना। सही लॉजिक है ना भाई, जो मेहनत किया उसको क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए ना, इसमें क्या गलत है, कोई गलत है, क्या गलत है, कोई गलत नहीं है, जो मेहनत करता है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए ना, उसका क्रेडिट आप किसी और को दे दो, ये तो अन्याय है या न्याय है, क्या आपने मेहनत किया फल कोई और खाएगा, क्या तो क्या होना चाहिए, मेहनत आप करो फल कोई और, क्या इग्नोरेंस है इसमें बताइए, है नहीं, नहीं वो दूसरे का तो मेहनत है ही नहीं, अभी तो मैं अपनी मेहनत की बात कर रहा हूँ, मैंने मेहनत किया मैंने कमाया तो नाम आपका होगा, है अभी दूसरे की हम बात ही नहीं कर रहे, दूसरे का भी आप करो मैं मैग्नीफाई कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा तो मत काटो, मेरे मेहनत का फल आप किसी और को क्यों दे रहे हो, इसमें क्या गलत है, बंधन में क्यों पड़े, मतलब बिना फल की इच्छा के मेहनत करें, तो मेहनत हम करें और फल कोई और खाएगा, क्यों खाएगा कोई और, लॉजिक बताइए, यहीं पे यही जड़ है ईर्ष्या का। कितने लोग तैयार हैं कि मेहनत मैं करूं फल कोई और खाए, इस संसार में कितने लोग तैयार, कितने भक्त तैयार हैं इसके लिए, और जब दूसरा खाता है तो उनको खुशी होनी चाहिए, ये भी एक नेक्स्ट कंडीशन है, चलो मेरा नाम नहीं हुआ ठीक है, इसको दे दिया गया मेरा मेहनत का फल, इसको दे दिया गया ठीक है यार क्या करें, इससे भी काम नहीं चलेगा, खुशी 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 देना है, प्रसन्न होना है, हैं कितना कठिन काम है, हमने मेहनत किया प्रसाद बनाया, खूब मेहनत करके माता जी लोग प्रकार नाना प्रकार की वैरायटी बनाई, खाता कौन है, हैं कौन खाता है, भगवान पहले खाते हैं, खा लेते हैं, बनाए हम खाएंगे भगवान, अगर रिटर्न आ जाते तो थोड़ा वो ठीक रहता है कि चलो भाई रिटर्न आ जाता है, अगर मान लो रिटर्न आए एक्चुअली खा ले तो फिर और उसके बाद सबको बांट दिया फूड फॉर लाइफ, मान लीजिए आपने ही बनाया और आपको प्रसाद ना मिले क्या करेंगे, उसके बाद अगली वर्ष बनाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई बनाएगा,
कोई बनाएगा मेहनत, कोई उत्साह बचेगा बनाने का, सेवा करने का। मान लिया आपने खूब मेहनत किया और आपका नाम अनाउंस नहीं हुआ, अगले बार सेवा करने का मन करेगा? नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? तो हम सेवा कर रहे हैं या किस नाम के लिए सेवा कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए सेवा कर रहे हैं या किसी और की खुशी के लिए कर रहे हैं? भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो आपने सेवा करी तो भगवान खुश हो गए, भगवान ने आपका नाम अनाउंस नहीं किया, आपको क्या प्रॉब्लम है? कितने लोग इसके लिए तैयार रहते हैं कि चलो मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ? कितने लोगों का नाम अनाउंस नहीं होता है तो दुख नहीं होता है, कोई बात नहीं है ना, ध्यान ही नहीं जाता है उस पर। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और उसके ऊपर से अगर डांट पड़ जाए तो फिर क्या होगा? एक तो मेहनत किया, मेरा नाम ना अनाउंस कर किसी और का नाम अनाउंस कर दिया गया मेरे नाम पे, और उसके ऊपर से मेरे को डांट भी पड़ी, फिर क्या हाल होगा? हैं, गुस्सा आएगा, उसके बाद सेवा समाप्त, उसके बाद अगले दिन से कोई आएगा? डांटना नहीं चाहिए ना, बिना गलती का नहीं डांटना चाहिए कि नहीं? यस। तो आप देखो कि अगर डांट दिया तो क्या आएंगे दोबारा? मुझे नहीं लगता कि आएंगे, है ना, नहीं आएंगे। तो ये मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं। तो ये जो अपना जो मान की इच्छा है, क्या मान की इच्छा, अपना सम्मान की इच्छा, ये है रहता ही है, चाहे कितना भी आप दिखावा कर लो रहता है ना। और इसी के कारण जो है वो अपराध होते हैं, ईर्ष्या आती है, है ना, इससे ईर्ष्या जन्म लेती है। समझ में आया? मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, है ना, मेरा भी एक होना चाहिए क्षेत्र जहाँ में मेरा नाम हो सके, ये भावना यह हमारे हृदय में गहराई से बैठी रहती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर नहीं हुआ तो क्या होता है? क्रोध। एक इच्छा से क्या होता है? क्रोध प्रकट होता है। जब नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध होता है। कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। और क्रोध आता है तो फिर व्यक्ति गलत कार्य करता है। तो उसी तरह से दक्ष प्रजापति के अंदर इच्छा थी कि मेरा सम्मान होना चाहिए, सम्मान, और सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्रोध आया, सभा में गए तो शिव जी जो है सम्मान नहीं किए, भगवान शिव जो हैं वो खड़े नहीं हुए उनको देखकर। तो उनको क्रोध आ गया, मैं आया ये खड़ा नहीं हो रहा है, मैं सीनियर हूँ, ये मेरा जूनियर दामाद खड़ा नहीं हो रहा है, हैं, गुस्सा नहीं आएगा? सब लोग खड़ा हो गए,
जो मेरा दामाद वही नहीं खड़ा हो रहा है, बहुत गुस्सा आया उसको। और सबके बीच में शिव जी का अपमान, वहीं पे थोड़ा मोड़ा गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज अहंकार, अपने मान की इच्छा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। न धनम न जनम न सुंदरे कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। कितना अच्छा सीक्वेंस में महाप्रभु ने इस शिक्षाष्टकम कहा है, बहुत सीक्वेंस। पहले श्लोक में कहते हैं कि आपका नाम लेने से क्या क्या फायदे हैं, सात फायदे हरि नाम के, पहले श्लोक में है। चेतो दर्पण मार्जनम नंबर वन, नंबर टू भव महादवाग निर्वापणम, नंबर थ्री श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, नंबर फोर विद्यावधू जीवनम, नंबर फाइव आनंदाम्बुदिवर्धनम है, नंबर सिक्स पूर्णामृतास्वादनम प्रतिपदम, नंबर सेवन सर्वात्मा स्नपनम। ये सात फायदे हरिनाम जो भी लेगा उसको ये सात फायदे इमीडिएट मिलने चाहिए, इमीडिएट लेते ही है? लेते ही। फिर महाप्रभु कहते हैं कि वो कृष्ण नाम जिसको लेने से इमीडिएट सात फायदे होते हैं हमको नहीं हुआ, क्या हमने लिया पर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं मिहाजनिनानुराग। इतनी शक्ति दे दी आपने अपने नामों में, फिर भी मेरा अनुराग इसमें नहीं है, मैं इसका जप नहीं करता हूँ, क्यों? दुर्भाग्य मेरा कैसा है, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, दुर्दैवम है कि इतना फायदा है जिस काम में फिर उसको क्यों नहीं करता हूँ मैं, जिस काम से करने से इतने फायदे उसको हर व्यक्ति करेगा लेकिन मैं नहीं करता है, क्यों क्यों नहीं करते है? हमारी स्थिति ज्यादातर साधकों की स्थिति इसी श्लोक तक है, इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं, इस श्लोक में हमारी गाड़ी अटकी हुई है और हमको कोई परवाह भी नहीं है, नहीं भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, प्रसाद तो मिल ही रहा है, है? तो आगे यहाँ से आगे कोई बढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए ज़्यादातर साधक जो होते हैं उनकी गाड़ी इस स्टेज पे रुकी रहती है, इसी स्टेज पे रुकी रहती है, हरिनाम में रुचि नहीं आ पाती है, क्यों? इससे आगे बढ़ने की कीमत देनी पड़ेगी, इससे आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, क्यों? क्योंकि मान की इच्छा, क्या है? मान की इच्छा के कारण इससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती है, ठीक है? यही जो ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या,
तो मान की इच्छा, इसीलिए तीसरा श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते कि इसे आगे जाना है तो ये करना पड़ेगा, तब कीर्तनीय सदा हरि है, नहीं तो कीर्तन नहीं हो पाएगा, कीर्तन नहीं हो पाएगा, कीर्तन नहीं हो पाएगा। जब तक हम इस श्लोक को नहीं समझेंगे कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा क्या होगा फिर, कीर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा, ड्रामा होगा, क्या होगा, ड्रामा। किस चीज का ड्रामा, कीर्तन का ड्रामा, किसका, कीर्तन नहीं होगा क्या होगा, कीर्तन का ड्रामा होता रहेगा। ड्रामा, कीर्तनीय सदा हरि है, सदा हरि का कीर्तन करना है तो ये चार गुण जरूरी हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि है। अमानिना, अमानिना अपने मान की इच्छा से रहित होना है। तो अपने मान की इच्छा से रहित कैसे होंगे, जब तक इच्छा अपने मान की है तब तक हम हरिनाम का चिंतन कीर्तन नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हरिनाम का कीर्तन श्रील रूप गोस्वामी जी ने कितने श्लोक कहे, पहले कहते वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे तधीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। मतलब बोला कि वेगों को कंट्रोल करो, है ना, छह वेग है। फिर क्या कहते, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम षड्भिः भक्तिर्विनश्यति। फिर कहते ये छह चीज़ों को कंट्रोल करो, छह वेग कंट्रोल करो, फिर छह दोष को कंट्रोल करो, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् साधु संग सतो वृत्ति षड्भिः भक्ति प्रसिद्ध्यति। फिर बोले छह गुणों को विकसित करो, उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन साधु संग सतो वृत्ति, कितना हो गया, अठारह, अठारह हैं। उसके बाद क्या कहते, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृक्षति मुक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। फिर रिलेशनशिप श्लोक है, अब पहला तीन क्वालिटी नहीं डेवलप करेंगे फर्स्ट तीन श्लोक तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं वैष्णव से, सीधे रिलेशनशिप रिलेशनशिप बात करेंगे, कोई होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक फर्स्ट तीन, ये सारा रिलेटेड है श्लोक का, ये नहीं कि पहले रिलेशन बनाइए फिर बाद में वाचो वेगम, नहीं। जब तक वाणी पे कंट्रोल नहीं है रिलेशन कैसे, आज बनेगा कल गाली दे देंगे, वाणी पे कंट्रोल ही नहीं उसका, मन पे कंट्रोल नहीं है, क्रोध पे कंट्रोल नहीं है, जीभ पे कंट्रोल नहीं है, प्रसाद टाइम पे नहीं है गाली। तो चौथा श्लोक, तब जाके चौथा बोल रहे हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पहले तीन गुण नहीं आएगा रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, अपराध होगा रिलेशनशिप नहीं बने, क्या होगा, अपराध होगा। तो चार श्लोक, चौथे श्लोक बोले रिलेशनशिप बनाओ, अच्छा रिलेशन, प्रीति लक्षणम, प्रीति लक्षणम, जब तक प्रीति नहीं है आपस में तो आपका कोई फायदा नहीं। अभी देखिए अभी तक नाम नहीं आया चैंटिंग, अभी तक रूप गोस्वामी ने चैंटिंग की बात नहीं किया, अभी तक चार श्लोक हो गए चैंटिंग की बात नहीं की, अब पांचवें श्लोक में चैंटिंग की बात कर रहे हैं।
कृष्ण नाम यस्य कीर्तम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन मन निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा। जिसकी जिह्वा पे कृष्ण का नाम है उसको क्या करना, मन से आदर दीजिए। जिसकी दीक्षा हो चुकी है उसको झुक कर प्रणाम कीजिए। जिस जो व्यक्ति भक्ति भजन में एडवांस हो चुका है उसकी सेवा करो। और जो व्यक्ति निंदा आदि जितने दोष हैं उन दोषों से मुक्त हो चुका है, जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उस अवस्था में पहुंच चुका है, ऐसे भक्त का संग करो। तो आदर, प्रणाम, सेवा और संग। संग, संग का मतलब गाइडेंस। क्या संग का मतलब क्या है? गाइडेंस। तो गाइडेंस किससे लेना है? सेवा आप करो, जो मैच्योर लोग डिवोटी हैं उनकी सेवा करो हैं। लेकिन जो निंदा आदि से मुक्त हो चुके हैं उनका गाइडेंस। और निंदा आदि से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, छठे श्लोक में बताते हैं। दृष्टि स्वभाव जनितै वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगाम्भ साम्न खलु बुद्बुद फेन पंकै ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मै। पांचवें श्लोक में कहते हैं क्या कि जिस प्रकार से गंगा जी के पानी में मल मूत्र कीचड़ है ये सब बहता रहता है, फिर भी हम उसमें स्नान करते हैं, साफ दिखता है, गंदगी दिखता है गंगा जी में, दिखता है ना, फिर भी हम उसको गंगा जल मानते हैं है? उसी तरह से भक्त लोग गंगा जी की तरह हैं। अगर उनमें कीचड़ दिखे, मल दिखे, गंदगी दिखे, फिर भी क्या करना है, फिर भी प्रणाम करना है, फिर भी क्या करना है, प्रणाम करना है ना। ये उदाहरण दे रहे हैं, गंगाम्ब सामन खलु बुद्बुद फेन पंकई, फिर भी उनको प्रणाम करो, संग मत करो लेकिन क्या करो, प्रणाम करो, संग मत करो लेकिन प्रणाम करो, फिर भी उनकी निंदा मत करो, दोष मत देखो, दोष नहीं देखना है। तो कोई स्पेशली जो सीनियर डिवोटीज के अंदर दोष नहीं देखना है, है ना। जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनके अंदर शरीर में दोष दिखेगा, व्यवहार में दोष दिखेगा, वो कभी भी गुस्सा कर देंगे, कभी भी गाली दे देंगे, पीट देंगे, है ना। नारद जी ने एक झापड़ मार दिया हरिचंदन को, है वो देख रहे थे महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे, बीच बीच में ऐसे आ रहा था, गुस्सा एक झापड़ मार दी, बोले आप वैष्णव तो त्रिनाथ भी सुनिश्चिन होता है, झपड़ मार दिए, तो विरोधाभास हो गया ना। अगर वैष्णव क्वालिटी भी अगर देखा जाए तो नारद जी में नहीं है, श्रीवास ठाकुर में नहीं है, थप्पड़ कैसे मार दिया, अगर सहनशील होना चाहिए ना वैष्णव को। तो इस सिद्धांत से देखो नारद जी के अंदर गुण नहीं है, है ना। तो ये चीज है। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र क्या कहते हैं, हरिचंदन को गुस्सा आ गया, बोला अभी मैं भी दिखाता हूं, लेकिन प्रताप रुद्र रोक दिया, बोला नहीं ये थप्पड़ नहीं है, ये कृपा है, ये महान संत की कृपा मिली है तुमको, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं कि मैं राजा हूं, मेरे पे कृपा नहीं मिली, काश मुझ पे श्रीवास ठाकुर का थप्पड़ पड़ता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। कैसे आप समझोगे इसको, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड। कोई थप्पड़ मार रहा है उसमें कृपा दिख रही है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस।
हैं। इसलिए भक्ति का रास्ता बहुत कठिन है, हैं? भक्ति का रास्ता कठिन है। वैष्णव आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप लॉजिक से देखोगे, वैष्णव के स्टैंडर्ड से भी देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये वैष्णव नहीं है, और अपराध का पूरा चांस रहेगा, है ना। जो क्लास दे के गए वही बाद में तोड़ रहे हैं, खुद क्लास में बोल के गए और बाहर जाके गुस्सा कर रहे हैं, तो आप लगेगा नहीं, देखो अभी बोल के गए हैं कि गुस्सा नहीं कर रहे, गुस्सा कर रहे, ये तो वैष्णव नहीं है, इसका मतलब हो गया अपराध, है ना। इट्स नॉट इजी, है ना। तो दोस्त देखता है, तो जब आपको बता रहे थे कि गुस्सा नहीं करना है, तो आपके लिए बता रहे थे, यानी कि उस उनका हथियार उन्हीं पे चलाओ, वो आपको हथियार दे रहे हैं, तो आप उन्हीं पे चलाओगे, हैं? आपको अपने ऊपर लगाना है उसको, यानी कि अब उस दूरबीन से सबको देखते चलेंगे, वेट कर रहे हैं कब प्रभु जी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंडेंसी होता है। हम सीखते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हम अपने को सुधारें ना, लेकिन हम क्या करते हैं, और दूसरे को देखने देखते हैं, ये देख गुस्सा कर रहे हैं, ये देखिए ये एरर है। तो पांचवें श्लोक छठे श्लोक में बताते हैं कि अपराध से मुक्त होने का, निंदा आदि से हृदय शून्य कैसे किया जाए, कैसे अगर किसी के अंदर कमी है, वैष्णव के अंदर दोष है, तो कैसे हम उसकी निंदा ना करें, वो तो नेचुरल है होगा। तो उसका उदाहरण देकर बोल रहे हैं, जिस तरह से गंगा जी में मल होता है, पाकी होता है, कीचड़ होता है, उसके बाद भी उसका ब्रह्म द्रोतम अपगच्छत नहीं होता है, उसकी पवित्रता ब्रह्मत्वम नष्ट नहीं होता उस जल का, कीचड़ होता है उसके बावजूद, उसी तरह से एक महान संत जो होते हैं उनके अंदर कमी दिखती है, लेकिन वो उसे अपवित्र नहीं होते। तो इसलिए अगर कमी दिख भी रही है एक्सटर्नल रूप से, तो आप उसके प्रति परसेप्शन डेवलप मत कीजिए, है ना, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो ये छठा श्लोक, और फिर सातवां श्लोक कहते हैं, फिर सातवां श्लोक, और सातवें श्लोक में बात आ रही है किसकी, चैंटिंग की। छह श्लोक तो पहले बैकग्राउंड तैयार किया गया, तब जाके सातवें श्लोक में क्या कहते हैं, सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पितोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गलत् मूलहन्ति। सातवें श्लोक में कह रहे हैं कि सात कृष्ण नाम चरित आदि, कृष्ण का नाम रूप गुण और लीला आदि हैं, जो कहते हैं सीत, सीत के समान है। सीत मतलब जानते क्या होता है, सीत मतलब मिश्री, क्या मिश्री के समान है, है ना, मिश्री के समान मीठा है, क्या है, मीठा है, समझ में आया क्या, मिश्री के समान लगेगा सातवें श्लोक, हैं? लेकिन अभी भी सातवां श्लोक मिश्री के समान नहीं लग रहेगा, कह रहे हैं कि सातवां श्लोक ये छह श्लोक करेंगे फिर भी मिश्री के समान नहीं लगेगा। ये छह श्लोक आप बैकग्राउंड तैयार हो गया अभी आपका, पी कह रहे हैं कि अविद्या पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जॉन्डिस की बीमारी है, पित्त उपतप्त, पित्त की बीमारी से जो व्यक्ति परेशान है,
उसको गन्ने का जूस में रोचिकानु, उसमें कोई रुचि नहीं होती है, बहुत टेस्ट नहीं आता है गन्ने के जूस में। जिसकी जॉन्डिस की बीमारी, अगर आप में से किसी को हुई है जॉन्डिस की बीमारी, किसको हुई जॉन्डिस की बीमारी में, आपको जब मिठाई गन्ने का जूस पिलाया जाए तो कैसा लगता है? नहीं पीने का मन करता है कि नहीं लगता है, बहुत कड़वा है। उसी तरह से जिसको अविद्या की बीमारी है, किसकी कौन सी बीमारी? अविद्या की बीमारी, अविद्या। जिसकी जिह्वा पर अविद्या की बीमारी लगी हुई है, तो छह चीजें हो चुकी है पर अभी भी अविद्या की बीमारी नहीं गई, छह श्लोक में अविद्या नष्ट नहीं हुआ है अभी भी, अविद्या सातवें श्लोक में नष्ट हो रहा है, अभी भी अविद्या की बीमारी है। इसके कारण हरि नाम में रुचि नहीं आता है। अब छह श्लोक के बाद अब आपको अविद्या की बीमारी पर अटैक करना है, तो कैसे अविद्या जाएगी, अविद्या की बीमारी कैसे जाएगी बताइए। अविद्या क्या है? हैं, लैक ऑफ नॉलेज, इंग्लिश में आपने बताया, वेरी गुड। किसे बोला जाए कि बाघ क्या है, तो टाइगर। चीनी क्या है? शुगर, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, कि मैं ये शरीर हूँ है ना, इसको अविद्या कहते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये जिसकी बात मैं तब से कर रहा हूँ, मैं और मेरा, ये तो मेन है, ये मैं और मेरा ही अविद्या है, हैं? और ये नहीं जाएगा, ये सातवें श्लोक में इसका इलाज कर रहे हैं। ये कैसे जाएगा, मैं और मेरा कैसे जाएगा? कहते हैं कि किंत्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, किंतु 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 अगर व्यक्ति आदर के साथ, आदरात, आदरात मतलब आदर सहित, कैसे आदर सहित, अनुदिनम, अनुदिनम मतलब रेगुलरली, क्या रेगुलरली, आदर सहित रेगुलरली क्या करता है, खलु सैव जुष्टा, हरि नाम का उच्चारण करता है। अगर कोई, यदि, किंतु यदि कोई रेगुलरली आदर सहित, कैसे आदर सहित, दो चीज बताया गया, एक तो रेगुलरली, दूसरा आदर सहित। तो आदर सहित का मतलब क्या, निरादर सहित कोई हरि नाम कैसे लेता है, है? जल्दी खत्म करना है ना, या बात करते हुए है, या सोते हुए है, है? और स्मार्टफोन लगाकर है ना, बात करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, आदर नहीं है इसमें, इसमें आदर नहीं है, आदर सहित करना है। किंतु आदरात अनुदिनम, आदर सहित रेगुलरली, ये दो चीज अगर आप करेंगे तुरंत अविद्या की बीमारी नष्ट हो जाएगी। दो फॉर्मूला याद रहेगा, आदर और रेगुलर, टू आर, रेस्पेक्ट रेगुलरली, विथ रेस्पेक्ट एंड रेगुलरली, याद रहेगा, या तब जाके क्या होगा, स्वाद्विक क्रमात भवति, ग्रेजुअली, वो भी एक दिन में नहीं होगा, ग्रेजुअली थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे 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 टेस्ट आ जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, टेस्ट आ गया। अब टेस्ट आ गया तो अब बोलेंगे कि रुक दो तो भी नहीं रुकेगा, अब हरि नाम चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और उसके बाद कहते हैं तत्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिलम इति उपदेश सारम। यही उपदेश का सार है,
ये जो उपदेष्टाष्टकम जो पूरा किताब है, ये श्लोक उसका क्या है? सार है। यही उपदेश जो किताब है मेरी, इसका सार ये श्लोक संख्या 8। यही हमारा लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? इति उपदेश सारम। कहते हैं कि तत् नाम, एक बार टेस्ट आ गया, रुचि आ गई, तो क्या करने? तत् नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, उसका कीर्तन करो और स्मरण करो। स्मृत्य स्मृत्य, अब रुको मत, करते जाओ कीर्तन और स्मरण करते जाओ। तो कीर्तन और स्मरण क्या बोला गया है? कीर्तन करते समय भगवान की लीलाओं का स्मरण होता होगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है। जैसे मैं बोलूँ ना, निताई पाद निताई पाद, मंगल हरी जैसे मंगल हरी बोलूंगा तो क्या होना चाहिए? मंगल हरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा ना, याद आएगा कि नहीं? स्मरण स्मृति में आएगा ना, मानस पटल पे क्या प्रकट होगा? मंगल हरी है। जिसका नाम ले रहे हैं उसका रूप प्रकट होना चाहिए ना, इस और नो? और नाम ले मंगल हरी मंगल हरी मंगल हरी, और अगर सुअर का रूप आ रहा है कि नाम किसी और का ले रहे हैं और ध्यान कहीं और है, इसलिए कहते सुकीर्तनानु और स्मृत्यु दोनों को एक साथ करना है। हम नाम लेते हैं कृष्ण का और स्मरण किसी और का होता है, उसको हटाना है, दोनों को एक लाइन में लेके आना है। इसके लिए क्या करना है? प्रयास करना है। सुकीर्तनानु और स्मृत्यु, कीर्तन और स्मरण को वन लाइन, यानी कि कीर्तन हो रहा है किसी और का, स्मरण हो रहा है किसी और का, इसके कारण जो है हमारा साधना पक्का नहीं होता है। और वो क्यों हो रहा है? अविद्या की बीमारी के कारण। क्यों हो रहा है? अविद्या की बीमारी के कारण। अविद्या की बीमारी के कारण जो है, हमको नाम लेते हैं भगवान का लेकिन इम्पॉर्टेंट माया लगती है, इसलिए माया का स्मरण, स्मरण हम उसका करते हैं जिसको हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, भले नाम किसी का भी जपे। नाम जपते हैं कृष्ण का लेकिन इंपॉर्टेंट मानते हैं जिसका हम स्मरण कर रहे हैं। इसलिए अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं और कृष्ण का ही अगर स्मरण हो रहा है, इसका मतलब हम कृष्ण को इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसलिए स्मृत्यो सुकीर्तनानि स्मृत्यो क्रमेण, क्रमेण मतलब अगेन क्रमेण ग्रेजुअली, करते करते धीरे धीरे हम देखें क्या गया। स्मृतो क्रमणे रसना मनसी नियोज्य, रसना और मनसी दोनों को लगाने को बोल रहे हैं। रसना मतलब क्या? जीव। और मनसी मतलब क्या? मन। हम जीव को तो लगा रहे हैं लेकिन मन को नहीं लगा रहे हैं। तो जब और तब तक नहीं लगेगा मन, जब तक रुचि नहीं आने लगेगा, जब तक अविद्या की बीमारी नष्ट, तब तक मन भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा। तो रसना और मनसी दोनों नियोज्य, और जब ये स्टेज आ जाए कि रसना और मनसी दोनों लग जाए, किसमें? हरिनाम में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अगर ये होने लगे तब कहते हैं तिष्ठन ब्रजे, अब आप ब्रज में निवास कीजिए। क्या करें? तब तिष्ठन ब्रजे, तब ब्रज में निवास करो। और वो भी कैसे निवास करो? तद अनुगार अनुरागी जन अनुगामी, भगवान के जो अनुरागी भक्त हैं, जो इनको हृदय में अनुराग आ चुका है कृष्ण के लिए, उनके अनुगत होकर ब्रज में निवास करो। इंडिपेंडेंट नहीं कि ये इधर उधर भाग रहे हैं, नहीं, बंदर की तरह। तद अनुरागी जन अनुगामी है, ऐसे अनुरागी व्यक्ति के गाइडेंस में अनुगत रहते हुए ब्रज में निवास करो। और क्या करो निवास करते हुए? कालम नए दखिलम, 2400 घंटे
चौबीसों घंटे भजन करो। कालम नए अखिलम, अखिलम मतलब पूरे सारे समय, ये नहीं कि लोही बाजार में जाके टिक्की खाओ, इसके लिए ब्रज में निवास करने गए। किस लिए? लोही बाजार में टिक्की खाने के लिए बहुत मजा आता है। हैं? और यही उपदेश का सार है, इति उपदेश सारम। तो अगर टेस्ट, अगर हरिनाम में रुचि नहीं आया है तो क्या हमें टिक्की में लेना पड़ेगा फिर? नाम में तो रुचि आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे फिर? बिना टेस्ट के तो जीवात्मा रहेगी नहीं। आनंदमय अभ्यासात, आनंद तो चाहिए। तो अगर भक्ति में नहीं आएगा तो फिर कहीं तो लेना पड़ेगा ना। ईश्वर नो बस हो गया है। तो ये जो आठवां श्लोक है ये भी उपदेश अष्टकम हो गया। ये क्या हो गया? उपदेश अष्टकम। उपदेशामृत के आठ श्लोक जो हैं यही उपदेश अष्टकम है। और इसके बाद जो नौवां श्लोक है उसमें फिर बताते हैं राधा कुंड की महिमा। क्या? राधा कुंड की महिमा। वैकुंठा जनितो वरा, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी। मधुपुरी मतलब मथुरा। क्यों? क्योंकि जनितो वहाँ पे भगवान का जन्म हुआ। वैकुंठ भगवान का जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठ नहीं है। मथुरा क्यों श्रेष्ठ है? वैकुंठ में तो जन्म होता ही नहीं। न जायते मृते वा कदाचित, न जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो फिर फायदा क्या है? बोरिंग लाइफ है कि नहीं? तो इसलिए वहाँ पे आप बर्थडे नहीं मना सकते, जन्माष्टमी मना सकते, वैकुंठ में नहीं मनाते। वैकुंठ में कोई जन्माष्टमी नहीं, कोई नंदोत्सव नहीं। इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा, वहाँ मेरा बर्थडे मनाया जाता है। मधुपुरी है तत्रापि रासोत्सवात्। और मथुरा से भी श्रेष्ठ है क्या? वृंदारण्यम, वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं रासलीला करता हूँ। तो मथुरा में तो बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन बर्थडे से ज्यादा मजा आता है रासलीला में। इसलिए रासलीला में वहां करता हूँ, इसलिए वृंदावन मेरे लिए ज्यादा, मुझे ज्यादा प्रिय है, श्रेष्ठ है। हैं? वृंदारण्यम उदार पाणी रमणात् तत्रैव तत्रापि गोवर्धन। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि उसको मैंने अपने हाथों से उठाया था, गिरिराज धरण लीला की हाथों से उठाया, इसलिए क्या श्रेष्ठ हो गया? गोवर्धन। गोवर्धन श्रेष्ठ है वृंदावन से। और उसके बाद क्या करें? राधा कुंडम इहापि गोकुलपते। गोवर्धन से भी इह अपि, ये मतलब गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंडम। राधा कुंडम क्यों? क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि गोकुल पते प्रेम अमृत आप्लावनाथ। भगवान जो गोकुल के स्वामी हैं कृष्ण, उनके प्रेम रूपी अमृत के जल से राधा कुंड का निर्माण हुआ है। वो प्रेमामृत, प्रेम अमृत है वो राधा कुंड, जल नहीं है वो। क्या है? भगवान का प्रेम जो है जल के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए कहते हैं कि कुर्यादस्य विराजतो गिरि तटे सेवाम विवेकिनक। कौन ऐसा मूर्ख होगा जिसको थोड़ी भी बुद्धि होगी तो वो राधा कुंड में निवास नहीं करेगा। कहाँ? विराजतो गिरि तटे। गिरि तटे मतलब गोवर्धन के तलहटी में कौन ऐसा मूर्ख होगा जो निवास नहीं करेगा और इस कुंड की सेवा करेगा? कौन सा कुंड? कौन ऐसा मूर्ख होगा? तो सबसे श्रेष्ठ जगह जो हमारा लक्ष्य जहां पहुंचना है वो क्या बता रहे हैं? राधा कुंड। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? उस राधा कुंड की सेवा। ये दसवां श्लोक। और ग्यारहवें श्लोक में क्या बताते हैं? ग्यारहवें श्लोक में बता रहे हैं कि कौन जाएगा उस स्थान पे। राधा कुंड के बारे में और वर्णन करते हैं।
राधा कुंड की महिमा का वर्णन और करते हैं, कहते हैं कि कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया, कर्मिभ्यो कर्मियों से भी श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। कर्मियों से श्रेष्ठ हैं ज्ञानी, है ना। जो विद्वान लोग ऐसा बताते हैं, व्यक्तिम ययुर ज्ञानी न, जो विद्वान जो ज्ञानी लोग हैं वो बता रहे हैं कि कर्मी से श्रेष्ठ हैं ज्ञानी। और तेभ्यो ज्ञान विमुक्त, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है जो ज्ञान के द्वारा विमुक्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है भवबंधन से, वो श्रेष्ठ है ज्ञानियों से। और उसे भी श्रेष्ठ कौन है? भक्ति, भक्ति परमा, जो भक्ति कर रहा है। और जो भक्ति कर रहे हैं उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? प्रेम एक निष्ठास्तत, जिसको प्रेम में निष्ठा आ चुकी है, प्रेम निष्ठिक, एक निष्ठ प्रेम जिसके अंदर आ गया। एक निष्ठ प्रेम मतलब क्या? उसका अनन्य भक्ति, उसका मन इधर उधर डोलता नहीं है, वो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। तेभ्यस्ताम पशुपाल पंकज दृशाम, और ऐसे भक्त जो प्रेम में स्थित हो चुके हैं, निष्ठ हो चुके हैं, एक निष्ठ हो चुके हैं, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? पशुपाल पंकज दृशा, ब्रज की गोपियां, ये सबसे श्रेष्ठ है। तेभ्योपि राधिका, और उन गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्री राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। तत्प्रेष्ठई तदवदीय तदीय सरसी, इसलिए ताम नाश्रय एत कम न कह, कौन होगा जो उसका आश्रय नहीं लेगा? किसका? राधा रानी का, राधा रानी का और राधा कुंड का कौन आश्रय नहीं लेगा, है ना। तो आप देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? राधा कुंड पहुँच गए, है ना, गुड़गांव में बैठे बैठे, गुड़गांव में बैठे बैठे। दैट इज उपदेशामृतम। इस उपदेशामृत को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11 श्लोकों में उन्होंने क्या किया, श्री रूप गोस्वामी ने सारे शास्त्रों का सार डाल दिया। और सिर्फ फिर अंतिम श्लोक में क्या कहते हैं, कृष्णस्य उच्चई प्रणय वसिता प्रिय सिभ्यो भी राधा, कृष्ण की जितनी प्रेयसियाँ हैं, प्रेयसियाँ मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ लव, जिसको प्रेम करते हैं भगवान, उनमें सारे प्रेयसियों में सबसे श्रेष्ठ है राधा रानी। कुंडम चास्या मुनि भी रवित, मुनियों ने ऐसा बताया है कि जैसे राधा रानी सारी गोपियों में श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से उनका कुंड जो है राधा कुंड, वो भी क्या है? वो भी श्रेष्ठ है, राधा के समान ही। ताद्रिक एव विधाई, ताद्रिक, ताद्रिक मतलब राधा के समान ही, जैसे तरह से राधा सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से उनका कुंड भी क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए राधा कुंड की महिमा को प्रकट किया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रकट किया राधा कुंड की महिमा। ताद्रिगी व विधाई, ताद्रिक का अर्थ है कि जिस पर राधा के समान ही, राधा के समान ही राधा कुंड श्रेष्ठ है। जत प्रेष्ठई अपि अलम असुलभम, वो राधा कुंड जो श्रीमती राधा रानी के समान ही है, वो महान, बहुत एडवांस डिवोटी के लिए भी दुर्लभ है प्राप्त करना। किसके लिए दुर्लभ है? प्रेष्ठई, प्रेष्ठई का मतलब जो बहुत एडवांस डिवोटी, नारद जैसे एडवांस डिवोटी के लिए भी दुर्लभ है राधा कुंड। किम पुनर्भक्ति भाजाम, फिर हम लोग साधारण भक्तों के लिए क्या कहा जाए?
हम लोग के लिए कित तो बहुत दुर्लभ है। और कहते हैं लास्ट में सबसे अंतिम लाइन जो है, सबसे अंतिम लाइन उपदेशास्त्र को कहते हैं तत्प्रेमेदम सकृदपि सरह स्नातुराविष्करोति, कि वो प्रेम, वो प्रेम, ये जो राधा कुंड है वो, उसमें अगर कोई एक बार भी स्नान कर ले, क्या करें, सकृत, सकृत मतलब एक बार भी अगर कोई स्नान कर ले, कहाँ, सरह, इस राधा कुंड में, स्नातु स्नातु आविष्करोति, स्नान करने से वो कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। इतना पावरफुल है राधा कुंड की महिमा, कि वो राधा कुंड कितना, जो अंतिम श्लोक है वो पूरा राधा कुंड की महिमा को बता रहे हैं कि प्रेयसियों में सबसे श्रेष्ठ राधा, जैसे सबसे श्रेष्ठ राधा हैं और राधा के समान ही श्रेष्ठ है राधा कुंड, और वो राधा कुंड जो है बड़े बड़े है ना उच्च कोटि के भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। हम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, दुर्लभ है ना, लेकिन वो प्राप्त किया जा सकता है एक बार स्नान करके राधा कुंड में। राधा कुंड में इसलिए स्नान करने के लिए रिकमेंड करते हैं यहाँ पे। तो अब लेकिन लेकिन वो पहले वाला काम पहले करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राधा कुंड में स्नान करने का जो बात जो है वो दसवें श्लोक के आगे से कर रहे हैं, है ना, दसवें श्लोक में आता है। ग्यारहवें श्लोक में स्नान करने के लिए बोला जाता है, तो बोले फिर प्रभु जी बाकी वाला श्लोक छोड़ दे, सीधे स्नान कर रहे हैं। अगर सीधे स्नान करने से ही वो कह रहे हैं कि जब आप नौवें श्लोक तक डेवलप कर लो, उसके बाद स्नान करोगे तब जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये कहने का अर्थ है इसका। समझ में आ रहा है देन, क्योंकि उससे पहले तो आपको समझ में नहीं है कि आप कहाँ स्नान कर रहे हो। आपको राधा कुंड में घुसेंगे लेकिन लगेगा कि दमदम लेक में स्नान कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको, आपको क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। हमारे लिए सारे कुंड एक जैसे लगते हैं, है ना। तो राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं ये समझ में आएगा जब हम उस नौवें आठ श्लोकों को पूरा कर लेंगे, तब समझ में आएगी राधा कुंड इसमें स्नान कर रहे हैं, और फिर उसमें स्नान करके हम उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे, लेकिन सबसे जो डेंजरस है वो वैष्णव अपराध है। क्या वैष्णव अपराध, निंदा, है ना, जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, जिससे हमें बहुत बचना है। और वो अपराध होता है ईर्ष्या के कारण, और ईर्ष्या होता है अविद्या के कारण। अविद्या मतलब मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा, इससे मुक्त होना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अविद्या के लिए, क्या बताया बताइए, कौन बताएंगे, टू आर रेगुलर, टू आर फॉर्मूला याद रहेगा, हाँ, आदर, रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट एंड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दो करेंगे रेगुलरली और विथ रेस्पेक्ट, तो धीरे धीरे हमारा वो टेस्ट आ जाएगा, और एक बार टेस्ट आ गया तो बस खत्म। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मांसाहार के बारे में, कि यहाँ पशु की हत्या की जाती है, यज्ञ में दिखाया कि पशु बलि दी जाती है, तो वो पशु बलि जो है वो बताते कि यज्ञ में भी तो पशु बलि दी जाती है, यज्ञ में पशु बलि दी जाती है। आप लोग बोलते हो मांस खाना मना है हिंदू धर्म में, लेकिन आपके धर्म में देखिए यज्ञ में पशु को काटा जाता है। तो उसी के क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि वैदिक शास्त्र में जब यज्ञ पशु बलि की जो बात बताई गई है यज्ञ में, वो पशु बलि आजकल के मांस काटने वाले जैसा नहीं है। उसमें पशु बलि का अर्थ है कि पशु को जब हम बलि देते हैं तो मंत्र टेस्टिंग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है तो एक्सपर्ट डॉक्टर बनाएगा नहीं, तो एक्सपेरिमेंट के लिए उसको जानवर पर क्या करता है, ऑपरेशन करता है जानवर को। तो उससे टेस्ट, जब वैक्सीन भी जब बना था कोरोना का, तो पहले चूहों पर उसको चूहों के अंदर लगाया गया था, और उसके बाद जब वहाँ से क्लियर हो गया त,
तब फिर इंसान को दिया गया है ना। तो उसी तरह से जो मंत्र हैं वो कितने पावरफुल हैं उसको टेस्ट किया जाता है कि नए व्यक्ति को जीवन दे सकता है कि नहीं मंत्र। तो पहले जानवर को काटा जाता है, फिर देखा जाता है नया जीवन जानवर को मिला कि नहीं मिला है। अगर मिल गया तो फिर मतलब मंत्र आपने सिद्ध कर लिया है ना। तो उसी तरह से पशुओं की बलि दी जाती थी ताकि उनको नया जीवन मिलता था। और भी पशु में भी बूढ़े पशुओं की बलि जाती थी, यंग की नहीं। और बूढ़े व्यक्ति को अगर उसका शरीर नष्ट करके नया शरीर दे दिया जाता तो खुशी होगा ना। यस, सो दैट्स हाउ पशु बलि के बारे में प्रभुपाद जी पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया है ना, और अपराधों का उनको दंड मिला। और सिर काटने के बाद फिर विनम्र हो जाएंगे, अमानित तुम अमानी ना मान देना। फिर आगे आएगा कि कैसे सिर कटने के बाद होश आया, और होश आने के बाद सिर कटा, फिर उनको बकरी का सिर लगाया गया। किसका? बकरी का सिर। मतलब जानते बकरा किस लिए फेमस है? बकरी नहीं, बकरा। बकरा किस लिए फेमस है? लस्ट के लिए फेमस है। तो बकरे का सिर लगाया गया ताकि हमेशा लोग देख सके कि इन्होंने अपराध किया था, है ना। तो जब भी बकरा का सिर देखता है तो याद आता था, है ना। तो चाहते तो फिर से उनका ओरिजिनल सिर लगा सकते थे। बकरे का क्यों लगाया? इसलिए लगाया। वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस चीज़ होता है, बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा आपका। पूरा माफ़ नहीं होता है जल्दी, है ना। इरिपेरेबल डैमेज करता है वैष्णव अपराध, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। स्पेशली महान वैष्णव के प्रति जो अपराध है, जैसे शिव जी हैं कि बात शिव सुख नारद प्रेम कर देगा, स्वयंभू नारद शंभु कौमारा कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्मो बलि भैया साकिर वयम। ये महाजन के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, महान संत होते हैं। तो अपराध के बारे में विशद वर्णन है ना, कई जगह पे वर्णन है, सावधान रहना चाहिए। ओके, फिर कोई बचा नहीं पाता है। दुर्वासा ऋषि ने अपराध किया, अम्बरीश महाराज के चरणों में ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों के पास गए, कोई नहीं बचा पाया। फिर वापस आके अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरे, क्षमा मांगे, तब अम्बरीश महाराज ने क्षमा किया, तब उनको अपराध से मुक्ति मिली। तो वी शुड बी केयरफुल ऑफ वैष्णव अपराध। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। क्वेश्चन? अब क्या क्वेश्चन पूछो, पूछिए जल्दी, क्विक क्विक। प्रतीत क्या हो रहा है उसको आपके प्रतीत होने से क्या होगा? प्रतीत जो बता रहे आचार्य वही प्रतीत करना है, कुछ और प्रतीत क्यों कर रहे हैं ना। प्रोसेस आचार्य बता रहे हैं ना, जो आचार्य बता रहे हैं प्रोसेस को मानिए, यही प्रोसेस है। प्रभुपाद जी जब बता रहे हैं तो उसको क्वेश्चन क्यों करने का, वेरी गलत थोड़े बताएंगे। सारे वैदिक इतना महान, इतनी पूरी किताब लिख रहे हैं, बिना जाने पहचाने थोड़े किताब लिख रहे हैं। ही नोज, आचार्य बता रहे हैं कि इसी उद्देश्य से किया जाता था, ऐसे ही किया जाता था, उसको एक्सेप्ट करना है। यू गॉट द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या तो मंत्र पढ़ा जाता था ना, मंत्र पढ़ने के बाद उसको बलि दी जाती थी, है ना। तो उद्देश्य यही होता था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना।
इसलिए सोचते हैं कि वो एक जो कर रहे हैं कुछ जैसे कुछ सजावटिंग चल रही है तो वो किसी हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी सोचते हैं। राइट वे दिस इज हाउ ना महान लोग गुस्सा करते हैं, तो हमारे गुस्से जैसे नहीं होता है, ये समझना चाहिए, है ना। वेरी गुड पॉइंट। अगर कोई बहुत एडवांस डिवोटी गुस्सा कर रहा है, है तो उसको समझना चाहिए कि उसका गुस्सा जो है हायर पर्पस के लिए। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।